हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कोरल ड्रॉ के अंदर हम इस प्रकार की होलोग्राम टेक्स्ट डिज़ाइन कैसे ड्रॉ करें। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले कंट्रोल एन से हम न्यू पेज लेते हैं। न्यू पेज लेने के बाद यहाँ से पेज की बॉर्डर को हटा देते हैं हम, और यहाँ से लेते हैं एक सर्कल। सर्कल को इस प्रकार से हमें ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर जो साइज है यहाँ से हम इसको कर देते हैं 125 और यहाँ पे 50 करके कर देंगे एंटर। तो सर्कल हमारे ऐसे बन जाएगी। सर्कल बनने के बाद यहाँ पे लेंगे टेक्स्ट। टेक्स्ट टूल से हमें जो लिखना है हम टाइप करेंगे सिग्मा कंप्यूटर वर्ल्ड। एजुकेशन चैनल और इसको हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉन्ट साइज कर देंगे हम कॉपर ब्लैक फॉन्ट साइज कर देंगे इसको और एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे इसकी साइज हम देंगे 24 रखेंगे इसकी साइज। देन एक और टेक्स्ट टूल लेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे हम कॉन्टेक्ट फॉर, आप कुछ भी अपने मर्जी से टाइप कर सकते हो, ऑल टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग एंड डिजिटल डिजाइनिंग वर्क्स। इस प्रकार से हमें टाइप कर लेना है और इसको हम यहाँ से कर देंगे सिलेक्ट। यहाँ से कर देंगे इसको बोल्ड और इसकी साइज, इसको एरियल फॉन्ट में ही लिखना है हमें, और इसकी साइज को यहाँ से हम कर देंगे 14। इस प्रकार से दोनों टेक्स्ट को हमें लिख लेना है। टेक्स्ट लिखने के बाद पहले वाले स्टेप को हमें क्लिक करना है टेक्स्ट को। यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिट टेक्स्ट टू पाथ ये वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके हमें सर्कल के ऊपर इसको फिट कर देना है। सर्कल के ऊपर ऐसे फिट करने के बाद यहाँ पर आएंगे, ये जो ऑप्शन दिख रहा है टेक्स्ट ओरिएंटेशन, यहाँ से हमें ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लेना है। सेट करने के बाद यहाँ से लेंगे शेप टूल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको इस प्रकार से रोटेट करेंगे कि जैसे हमारा नेम जो है वो यहाँ पे फ्रंट में दिखे। इस प्रकार से दिखने के बाद फिर से इसकी गैप को मैनेज कर देते हैं थोड़ा। इस प्रकार से इसको सेट कर देना है। सेट करने के बाद ये जो वाला सर्कल है इसको डबल क्लिक करेंगे और कॉपी पेस्ट करके इसको नीचे की ओर इस प्रकार से हमें मूव करना है। मूव करने के बाद ये जो टेक्स्ट है इसको सेम हमें टेक्स्ट में जाके फिर टेक्स्ट पाथ पे क्लिक करके इस सर्कल के ऊपर सेट कर देना है। ऐसे सेट करने के बाद इसको भी सेम शेप टूल से हमें गैप कम करनी है इसकी भी। इस प्रकार से जॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसकी भी स्टाइल को हमें ये वाली ओरिएंटेशन स्टाइल कर देनी है। इस प्रकार से सेट करने के बाद सर्कल के ऊपर, ये जो सर्कल है इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे हम डिलीट। सेम को रोटेट करेंगे जैसे कि हमारा जो कॉन्टेक्ट है वो फ्रंट में दिखे। फ्रंट में दिखे, देन यहाँ से इस शेप को भी हमें बढ़ा देना है, गैप कम कर देनी है। करने के बाद ये जो लाइन है सर्कल की लाइन है इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और इसको भी हम कर देंगे डिलीट। तो हमारी शेप ऐसे बन गई। ऐसे शेप बनने के बाद इस शेप को हम सिलेक्ट करेंगे और कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे एक और शेप बनाएंगे। शेप बनाने के बाद इसको हम कंट्रोल जी से कर देते हैं ग्रुप। ग्रुप करने के बाद यहाँ से हम कलर लेते हैं ब्लैक 50, ये वाला कलर हमें इसके अंदर फील करना है। इसके आउटलाइन को भी वही वाला कलर कर देते हैं और यहाँ से आते हैं हम इंटरेक्टिव फील टूल पर। इंटरेक्टिव फील टूल से हमें इस प्रकार से इसको फील करना है। इस वाले कलर को
भी सेंटर पे एक पॉइंट लेना है, इसको हम कर देंगे वाइट कलर। और इस वाले साइड पे जो कलर है इसको भी कर लेंगे हम ब्लैक 50। और इसको इस प्रकार से एडजस्ट कर लेना है। करने के बाद यहाँ से इसके नो आउटलाइन कर देनी, तो शेप ऐसे दिखेगी। अब इस वाले शेप को भी हमें इंटरेक्टिव फिल टूल से कलर कर देते हैं, जैसे कि ये वाला शेप ब्लैक रहने देते हैं और ऊपर वाले शेप को इस प्रकार से शेप ले लेते हैं। यहाँ पे फिल करते हैं रेड कलर, सेम यहाँ पे भी रेड कलर ले लेते हैं। और जो सेंटर वाला पार्ट है इसको करते हैं येल्लो कलर। येल्लो कलर करने के बाद यहाँ से इस शेप को हम करते हैं कंट्रोल जी। कंट्रोल जी करने के बाद ये जो शेप है इसको क्लिक करके शिफ्ट के साथ इस वाले शेप को क्लिक करके करना है हमें ई सी। तो ये ऊपर आके इसके ऊपर आके सेट हो गया। अब इसको पीछे लेने के लिए हम शिफ्ट पेस डाउन करेंगे कीबोर्ड से, शेप के ऊपर क्लिक करना है और शिफ्ट पेस डाउन करना है, तो ऐसे हमारा शेप शिफ्ट हो जाएगा। दोनों शेप को हमें सिलेक्ट करना है और इसको सेंटर की ओर रखना है। अब वो जो नीचे वाला शेप है इस पर क्लिक करके इसको हम कर देते हैं कंट्रोल यू से अनग्रुप कर देते हैं। और ये जो नीचे वाला ब्लैक कलर का टेक्स्ट है इसको क्लिक करना है हमें और इसको यहाँ से कर देंगे वाइट कलर। वाइट कलर करने के बाद यहाँ से लेंगे हम एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को ऐसे ड्रॉ करना है इसके ऊपर और इसको यहाँ से कर देते हैं ब्लैक कलर। ब्लैक कलर करने के बाद कंट्रोल पेस्ट डाउन से इसको कर देंगे पीछे। पेस्ट डाउन करने के बाद यहाँ से लेंगे हम शेप टूल। शेप टूल लेने के बाद ये जो शेप है कलर वाला इसके ऊपर हमें क्लिक करना है और इसके हाफ एरिया को हमें सिलेक्ट करना है। इतने एरिया को हमें सिलेक्ट करना है और यहाँ से कर देंगे नो फिल। नो फिल कर देंगे तो ये वाला कलर हमें दिखेगा। सेम इस वाले शेप पे भी क्लिक करके इसके भी हाफ पर्शन को हमें सिलेक्ट करना है और यहाँ से कर देंगे इसको नो फिल। इसको सेट कर देते हैं। अब इसको कर देंगे कंट्रोल जी से ग्रुप। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारी होलोग्राम टेक्स्ट डिज़ाइन रेडी है। उम्मीद है आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।